हेलो दोस्तों, जो तीसरी नेशनल ओपन जैवलिन चैंपियनशिप होने वाली है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये जो प्रतियोगिता होगी 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली जेएनआर स्टेडियम के अंदर आयोजित की जाएंगी। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास AFI की UID होना जरूरी है, तब भी आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जिस राज्य से जिस भी एथलेट मान्यता प्राप्त संघ से अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है तो भी आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपकी एज 20 साल से कम लड़कियाँ और 18 साल से कम लड़कियाँ, उसके साथ ही 16 साल के लड़के और 16 साल के लड़कियाँ इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकते हैं। उसके साथ ही आपका जो कोविड वैक्सीन है दोनों टीके लगे हुए होने ज़रूरी है, और उसके साथ ही रिपोर्ट आपके साथ होनी ज़रूरी है। RT-PCR रिपोर्ट आपके साथ होनी ज़रूरी है, तब भी आप उसके अंदर भाग ले सकते हैं। उसके साथ ही एथलीट जो भी उसके अंदर भाग लेगा, एथलीट को स्टेडियम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पहले आपको वहाँ पर रिपोर्ट दिखानी होगी, वो भी 72 घंटे पहले की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर आप एक एथलीट है और आप उसमें जेवलिन थ्रो के अंदर भाग लेने जा रहे हैं, तो आपके साथ आपके कोच, आपके साथ कोई अगर देखने वाला चलने वाला है, उसको अनुमति नहीं है अंदर जाने की। इसके रजिस्ट्रेशन की फीस की बात करें तो प्रवेश के लिए दोस्तों इसकी एंट्री फीस 1,000 रुपये रखी गई है, जो आपको नॉट रिफंडेबल है। आपको एंट्री करते टाइम 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके साथ ही एंट्री शेड्यूल की बात करें तो मैन और वुमेन दोनों के लिए है। मैन 88 मीटर क्वालिफाई के लिए है, 800 ग्राम का आपका पाला होगा। Under-20 के लिए बात करें 60 मीटर है, 800 ग्राम का वो भी पाला होगा। उसके साथ Under-18 की बात करें तो 55 मीटर है, 70 ग्राम का पाला। Under-16 की बात करें तो 40 मीटर है और 600 ग्राम का पाला। वैसे वैसे लड़कियों का अगर बात करें तो 44 मीटर तो क्वालिफाई टाइम दिया गया है। उसके साथ ही Under-20 के लिए 38.50 मीटर, Under-18 के लिए 35 मीटर और Under-16 के लिए 30 मीटर। इसके जो पहले की है वो उनकी 20 वालों के लिए 600 ग्राम, 18 वालों के लिए 500 ग्राम और 16 वालों के लिए 500 ग्राम। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की सहायता या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इसकी PDF लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और आपको नीचे व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे अपडेट के लिए।